Hi friends, we are coming with the new section of current affairs. The team of Concord Next bring you a very comprehensive compilation of current affairs for UPSC exam. It's a 100% free initiative to help out all those aspirants who are just fetching out the problems in current affairs section. Our compilation provides you a current affairs from all the possible sources, that is from market domain, open source domain magazines and all that government relevant magazines. So once you cover this, no one can stop you from cracking a UPSC prelims CSE 2020. So right now we are just covering the June section of environment, that in the whole of the current affairs comes in up of the two part, and we are currently covering the first of the section of June. So now we are moving with the current affairs section. So the very first topic is forest as in living entity. El Salvador has recognizes forest as the living entity. El Salvador ne decide kiya hai apne historic move mein ki wo forest ko living entity ke taur par assume off karega aur uske sare citizens ke ye required preservative rights honge ki uske baad unhe wo preserve karna padega. Actually El Salvador ne 85% of uska jo native forest hai lost down ho gaya after 1960. Actually earth ke while agar hum respect mein ye data dekhe to 80% hai. India mein agar is tarah ke concerns dekhe to is tarah ka ek effect aur any उत्तराखंड स्टेट के लिए आया था. अल सल्वाडोर का आप ज्योग्राफिकल लोकेशंस देख सकते हैं, निकारागुआ और होंडुरास और ग्वाटेमाला से एज्यूमिंग मैप्स में इसका लोकेशन है, ज्योग्राफिकल लोकेशन. सेकंड जो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है माइक्रोलेटा एशेनी. रिसर्चर्स ने अभी रिसेंटली असम में एक पैडी फ्रॉग का न्यू स्पेसीज डिस्कवर किया है. ये पैडी फ्रॉग्स इसलिए नेम डाउन होता है, बेसिकली जो राइस फील्ड्स होती हैं उसमें जिस तरह के फ्रॉग्स या रेलेवेंट एक्वेटिक जो पैरानियल एनिमल सेट्स हैं वो जो डिस्कवर होते हैं तो उनकी नेमिंग उस हिसाब से की जाती है. दैट्स वाई दे हैव बीन नेम्ड एज पैडी फ्रॉग. तो अब ये माइक्रोलेटा आइसेनी जो है इसके बारे में हम जान लेते हैं. ये संस्कृत वर्ड आइसेनी इसके नेम डाउन में आया है और ये बेसिकली आइसेनी मीनिंग इसका मतलब होता है नॉर्थ ईस्ट. ये एक नैरो माउथेड फ्रॉग्स है दैट इज़ प्राइमली और वाइडली बिन डिस्ट्रीब्यूटेड इन साउथ ईस्ट एशिया और दीज फ्रॉग्स आर बिन एंडेमिक टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया. That is, it could be present in nearby portions such as in Bangladesh, in the green plain of Myanmar and Tripura and Manipur. So the next topic is Asiatic golden cat. Why this is in news? Because Asiatic golden cat comes in five other states besides the golden color, jo name differ karta hai. In Arunachal Pradesh, scientists recently discovered this, that not only the golden color, there are relevantly five other color that are to be in the present in that स्पीसी. तो वो कलर्स के टाइप कौन है, वो है सिनेमन, गोल्डन ग्रे, बेलेनिस्टिक, ऑसिलोट एंड टाइटली रोजेटेड. अब एशियाटिक गोल्डन कैट का स्टेटस देख लेते हैं, एनवायरमेंटल स्टेटस क्या है. तो एक्चुअली इसका साइंटिफिक नेम है कैटोपुमा टेमेसिनिकी और इसका IUCN स्टेटस है नियरली थ्रेटेंड. और ये जो इसका लोकेशन है वो है ईस्टर्न नेपाल थ्रू आउट द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया टू द इंडोनेशियन प्लेन, वो वहाँ ये बेसिकली मिलता है. और साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि द वाइड वेरिएशन ऑफ ये जो कैट कोट्स के कलर्स डिफर करते हैं इसका इकोलॉजिकल बेनिफिट है. वो डिफरेंट डिफरेंट पोर्सन्स में जो इस तरह के कैट जिनका बिलीव्ड है जो जिस तरह के लोलैंड फॉरेस्ट से अल्पाइन स्क्रब्स के बीच वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं उनको उनके प्रेइंग फीजेंट्स और उनके ऑप्शंस के हिसाब से ये जो कलर कोड्स हैं वो डिफर कर जाते हैं. नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है ग्रीहा. ग्रीहा स्टैंड्स फॉर ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट और ये 10th एडिशन अभी इंडिया में रिसेंटली हेल्ड डाउन किया गया था नागपुर में, इस वजह से ये न्यूज़ में है. ये एक रेटिंग टूल होता है दैट बेसिकली हेल्प्स आउट टू एक्सेस द परफॉर्मेंस ऑफ देयर बिल्डिंग अगेंस्ट सर्टेन नेशनली एक्सेप्टेबल बेंचमार्क्स. अब गृहा काउंसिल है वो बेसिकली इस तरह की रेटिंग क्रिएट करती है. वो एक नॉट फॉर प्रॉफिट और सोसाइटी है जो कि द इंडियन एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट टेरी एंड मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एंड न्यूएबल रिसोर्सेज वो प्रमोट करता है बेसिकली ग्रीन बिल्डिंग इंडिया में. और अब टेरी और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज इसके जॉइंट कोलेबोरेशन से इस गृहा को जब प्रोड्यूस आउट किया गया तो आपको बेसिकली ध्यान रखना है दिस इज़ अ ग्रीन हैबिटेट टूल दैट इज़ वाइडली बीन कनेक्टेड टू SDG गोल्स. अब नेक्स्ट टॉपिक है वो द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट टेरी, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं. ये एक नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्क कर इसका जो कंडक्शन एरिया है वो है फील्ड ऑफ एनर्जी एनवायरनमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके. 1974 में इस्टेब्लिश हुआ था TIFR के थ्रू और टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट और उसको बाद में रीनेम किया गया द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट इन 2003. की फोकसिंग एरिया जो है वो है क्लीन एनर्जी, वाटर मैनेजमेंट, पॉल्यूशन मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड क्लाइमेट रिजिलेंस. अब इसमें दो तीन चीज़ें जो याद रखने वाली हैं वो एक टर्म है IGBC, उसका मतलब फुल फॉर्म स्टेट होता है इंडियन ग्रीन
Building Code, IGBC, is the India's first rating program exclusively for the residential sector. Residential sector के लिए, commercial sector के लिए green building रिहा concept exume करता है, यहाँ नहीं करता है ये. ये Confederation of Indian Industry, CEII का part है और basically Lead India का flagship program के through develop किया गया है. Leadership in Energy and Environmental Design has been developed by Indian Green Building Council. अभी ये Indian Green Building Rating Program जो है वो license करता है LEED के through. इसमें जो कुछ नए नए इफेक्टिव टर्म्स आए हैं वो हैं एनर्जी सेविंग बिल्डिंग कोड्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर और ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के जॉइंटली एफर्ट से बाहर आया है. अब ये एक और पोर्टल जो रिलेटेड इससे है वो है इको निवास पोर्टल. नाम से ही आपको पता चल रहा है दिस बिलोंग्स फ्रॉम गृहा एंड रिलेटिंग थिंग. तो एनर्जी कंजर्वेशन न्यू इंडियन वे अफोर्डेबल सस्टेनेबल होम्स के लिए जो कंसेप्ट है उसके लिए गवर्नमेंट ने एक नई पोर्टल डेवलप की है ताकि वो गृहा के रेटिंग्स के हिसाब से, गृहा के रिकमेंडेशंस के हिसाब से ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट को इनिशिएट कर पाए, उसे लोकेट कर पाए और उसके इनिशियल परफॉर्मेंस पोर्टल पर दिखते रहें. डेवलप किया है इसे ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने, जो इंडियन गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आती है. उसने इको निवास पोर्टल रिज्यूम किया है, ये रिमाइंड कीजिएगा. नेक्स्ट टॉपिक है बल्सम्स और ज्यूअल विड्स. बेसिकली ये न्यूज़ में था बिकॉज दिस इज फाउंड इन ईस्टर्न हिमालया एज अ ट्रेजर ट्रोव ऑफ बल्सम्स. इट येल्ड्स 20 ऑफ द न्यूअर स्पीसीज रिसेंटली. डिफरेंट न्यूअर स्पीसीज ईस्टर्न, वैसे भी हिमालयाज एक डार्क डेंस फॉरेस्ट में बहुत वाइडली वेराइड एनिमल स्पीसीज रहता है, बट बेसिकली दीज पोर्सन्स आर कैरिंग आउट मोस्ट 20 ऑफ द न्यूअर स्पीसीज. अब ये जो पोर्शन है, ज्योग्राफिकल लोकेशन है, वो बिलोंग करता है अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम. और दीज प्लांट्स आर हाईली सेंसिटिव टू अ क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक एक्सट्रीम ड्राउट एंड एक्सटेंडेड एक्सपोजर टू द सनलाइट. ये जो इसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है कि एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन को सस्टेन डाउन करता है, इसीलिए स्पेशल है. बेसिकली इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं कंसिस्टिंग ऑफ बोथ एनुअल एंड पेरेनियल हर्ब्स, दैट इज बल्सम्स आर बीन सकुलेंट प्लांट्स विथ हाई एंडेमिज्म. ये सभी तरह के नेचुरल एट्रोसिटीज़ को इजीली कवर डाउन कर सकते हैं, ये इसका बेसिक मीनिंग यही मतलब है. नेक्स्ट टॉपिक है असम टेंपल बिट्स ड्यू टू रेयर टर्टल हैचलिंग. रिसेंटली ये न्यूज़ में था बिकॉज ब्लैक सॉफ्ट सेल टर्टल कंजर्वेशन जो है वो टेंपल पोर्शंस में, असम के कुछ टेंपल पोर्शन में कंडक्ट ऑफ होता था और वो टेंपल उग्रतारा टेंपल था. बेसिकली ये शक्ति श्राइन है जो कि गुवाहाटी में असम में लोकेटेड है. प्रेजेंटली इसे बिल्ड किया था अहोम किंग्स सिवा सिंगा ने 1725 में. एक बेसिक फैक्ट है, रिमाइंड कीजिएगा वेल गोइंग थ्रू दिस वन. बट बेसिकली इस तरह के उग्रतारा टेंपल्स में, इस तरह के रिलीजियस बिल्डिंग्स में आपको गर्भगृह में कोई इमेज और आइडल नहीं रहता था. एक स्मॉल पिट होता था बेसिकली वेयर विच इज़ बीन फिल्ड ऑफ वाटर दैट रिप्रेजेंट्स आइडली द गॉडेस. अब ये ब्लैक सॉफ्ट सेल टर्टल जो है जिसको बॉस्टामी टर्टल भी बोलते हैं, ये स्पेसीज है फ्रेश वाटर टर्टल का. ये फ्रेश वाटर टर्टल है, ये सी में नहीं मिलता है और बेसिकली इंडिया एंड बांग्लादेश के एडजॉइनिंग रिवर्स में, गंगा एंड गैंगेटिक प्लेन के एडजॉइनिंग रिवर्स जो हैं उनमें ये बेसिकली ज़्यादा पाया जाता है. इट्स अ क्लोज रिलेटिव ऑफ इंडियन पीकॉक सॉफ्ट सेल टर्टल, जो कि डिस्टिंक्ट स्पीसीज है इसका. अगर याद रखें तो ब्लैक सॉफ्ट सेल टर्टल और इंडियन पीकॉक सॉफ्ट सेल टर्टल दोनों क्लोज डिस्टिंक्ट स्पीसीज हैं. As of 2002, the IUCN classified this species as extinct in the world. Next topic है India to host UN meets on land degradation in September. तो India for the first time will host 40th session of the Conference of Parties of United Nations Conservation to Combat Desertification. Land degradation और related problem जिस तरह से desertification की के direction में let down कर रहे हैं, वैसे condition में Environmental Ministry ने एक flagship project launch किया ताकि लार्जर इंटरनेशनल इनिशिएटिव जिसको बून चैलेंज के फॉर्म में मानते हैं, कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन के फॉर्म में, तो वो इनहेंस करेगा इंडिया की कैपेसिटी फॉर फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन एंड रिलेटेड इशूज़ को. अब ये बून चैलेंज जो है उसके बारे में थोड़ी चीज़ें याद रखिए कि बून चैलेंज एक ग्लोबल एफर्ट है टू ब्रिंग डाउन अ मॉनेटरी बेनिफिट अलॉन्ग विद द ऑल दोज एनवायरमेंटल कंसर्न्स टू ब्रिंग आउट डिग्रेडेटेड एंड डीफॉरेस्टेड लैंड इनटू इट्स ओरिजिनल रिस्टोरेशन फॉर्म By 2020. एक डेटा है कि 150 मिलियन हेक्टेयर ऑफ डिग्रेडेड एंड डिफॉरेस्टेड लैंड जो है उसको रिस्टोर करेंगे 2020 एंड 350 मिलियन बाय 2030. अब वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट, इसी कंडीशन, इसी फ्लो आउट थ्रू में हम डेजर्टिफिकेशन को कॉम्बैट करने के लिए बेसिकली एक वर्ल्ड, एक इमेनिसिपेशन के लिए, एक पार्टिसिपेशन के लिए वर्ल्ड डे भी कॉम्बैट किया जाता है. एवरी डे ऑन 17th ऑफ जून इट इज़ बीन ऑब्जर्व ऑफ UNCCD. स्टैब्लिश, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं. बेसिकली स्टैब्लिश 1994 में हुआ था और ये ओनली लीगली बाइंडिंग ट्रिटी है. रिमाइंड करने की बात है इन एस्पेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉस्पेक्ट,
ये ओनली लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है जो कि लिंक डाउन करता है एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट इन सूज को टू लैंड एजेंडा दैट इज़ बीन वाइडली कंसिडर्ड इन एवरी अदर सेक्शन. तो थ्री मेजर कन्वेंशन जो है यूनाइटेड नेशन के अदर देन टू आर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC एंड द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD और थर्ड ऑन UNCCD ऑन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन. थीम जो है इस साल के लिए जो इवेंट था उसका जो थीम था वो लेट्स ग्रो द फ्यूचर टुगेदर. ये इसका UNCCD का जो इस साल इंडिया में इवेंट हुआ था उसका ये थीम था. नेक्स्ट टॉपिक है हाइड्रोथेरेपी क्लिनिक फॉर एलिफेंट्स. बेसिकली न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज इन मथुरा इंडियन गवर्नमेंट एंड रिलेटेड मिनिस्ट्री हैड ओपेंड अ फर्स्ट स्पेशलाइज्ड हाइड्रोथेरेपी ट्रीटमेंट फॉर एलिफेंट्स दोज हु आर सफरिंग फॉर आर्थराइटिस जॉइंट पेन एंड फूट एलिमेंट्स एंड वट एवर द प्रॉब्लम दे आर फेसिंग ऑन. तो वाइल्ड लाइफ सॉस ने एलिफेंट्स कंजर्वेशन एंड केयर यूनिट के फॉर्म में मथुरा में एक हाइड्रोथेरेपी क्लिनिक इस्टेब्लिश किया. फर्स्ट स्पेशलाइज्ड हाइड्रोथेरेपी क्लिनिक इस्टेब्लिश किया. अब ये ECCC क्या है? तो इट इज़ इस्टेब्लिश बाई वाइल्ड लाइफ सॉस इन कोलेब्रेशन इज उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. करेंटली डिफरेंट रेस्क्यूड एलिफेंट्स जो कि सर्कसेस से क्रूएल ओनर्स से और डिफरेंट डिफरेंट इलीगल पोजिशन से जो कलेक्ट किए जाते हैं उनको यहाँ पर रखा जाता है. उनका नरिशमेंट होता है और उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उसको ईजिली रेस्क्यूड ऑफ किया जाता है. नेक्स्ट टॉपिक है क्लाइमेट चेंज कैन ट्रिप स्मॉल आइसलैंड स्टेट्स फॉर इन रूटिंग SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. ये UN का स्टेटमेंट है. बेसिकली UN ने एक रिपोर्ट पुट डाउन किया है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स 2019 जो रिवील करता है कि जितने भी स्मॉल आइसलैंड हैं डेवलपिंग स्टेट्स हैं इट मे बी द कंडीशन दैट दे फेल टू अचीव सेवरल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बाई 2030 बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड क्लाइमेट चेंज रिस्क. अभी SIDS क्या है? तो SIDS इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ स्मॉल आइसलैंड कंट्री दैट टेंड्स टू शेयर सिमिलर सस्टेनेबल डेवलपमेंट चैलेंजेस. डिफरेंट डिफरेंट सस्टेनेबल गोल को लेकर जिस तरह के प्रॉब्लम्स को कैटेगराइज किया गया जो डिफरेंट डिफरेंट सिमिलर प्रॉब्लम कैटेगरीज में आ रहे थे उनको लेकर डिफरेंट डिफरेंट SIDS क्रिएट की गई. और जो स्मॉल आइसलैंड कंट्री हैं बेसिकली उनके जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके जो चैलेंजेस हैं वो एक सिमिलर कैटेगरी में आते हैं. तो इस वजह से SIDS जो स्मॉल आइसलैंड कंट्री को लेकर के है वो डिफरेंट प्रॉब्लम्स को लाइकली जैसे ग्रोइंग पॉपुलेशन लिमिटेड सोर्स रिमोटनेस सस्पेक्टेबिलिटी टू नेचुरल डिजास्टर वल्नरेबिलिटी टू एक्सटर्नल शॉक्स एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन इंटरनेशनल ट्रेड फ्रेगाइल एनवायरनमेंट इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से जो SDG गोल्स को फॉलो अप करने में वो अभी इक्वली कंफर्टेबल नहीं है. तो फर्स्ट रिकॉग्नाइजेशन एज अ डिस्टिंक ग्रुप ऑफ SIDS जो मिली थी वो थी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन June 1992. अब ये आगे फॉलोड डाउन हुआ बारबाडोस प्रोग्राम्स ऑफ एक्शन 1994 में जब SIDS को सस्टेनेबल डेवलपमेंट एफर्ट्स को और पुट डाउन करने के लिए असिस्टेंस देने की बात हुई. अब यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ हाई रिप्रेजेंटेटिव फॉर लिस्ट डेवलप्ड कंट्री लैंडलॉक डेवलपिंग कंट्रीज एंड स्मॉल डेवलपिंग कंट्रीज तीन बेसिक में हाई रिप्रेजेंटेटिव फॉर लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज लैंडलॉक डेवलपिंग कंट्रीज एंड स्मॉल आइसलैंड डेवलपिंग स्टेट्स. अब ये UNOHRLSS जो है वो रिप्रेजेंट करता है इस तरह की ग्रुप्स को. अब ये इंक्लूड करता है जो स्मॉल आइसलैंड कंट्री हैं जैसे बेसिकली एग्जांपल में कोमोरूस गुआना बिसा साइटोम्स प्रिंसिपी सोलोमन आइसलैंड वनातू. तो ये सब टर्म्स हैं जो बेसिकली अभी भी कॉम्बेटिकली कंफर्टेबल नहीं है SIDS के गोल को UNSDG के गोल को प्रोस्पेक्टिवली अचीव करने के लिए. अब वो प्रॉब्लम जितनी भी इशू हैं जितने भी लैंड प्रॉब्लम से लेकर इन्वायरमेंटल इशूज उसको हमने डिस्कस किया है. नेक्स्ट टॉपिक है सोलोनम प्लास्टिसेक्सम. इट इज़ ये न्यूज़ में क्यों था? बेसिकली टीम ऑफ साइंटिस्ट US और ऑस्ट्रेलिया से उन्होंने एक न्यू प्लांट स्पीसीज नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में डिस्कवर की और उसका नाम दिया उन्होंने सोलोनम प्लास्टिसेक्सम. अब ये है क्या इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं. बेसिकली इट इज़ अ स्पीसीज ऑफ बुश टोमेटो दैट इज़ नेटिव ऑफ एरिड पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया. इट इज़ नॉट बिटवीन दोज पार्ट्स विच कवर्स एम्प्टी और a conditional rainfall. It is basically lie on those portions which are been arid or desert portion of the Australia. That's why ye unusual hai thora. It's not unusual for the flowers to hermaphrodite, that is bear both male and female organs present in every blossoms. तो ये 85% ऑफ प्लानट स्पीसीज जो है फ्लावर्स का वो बेसिकली बाइसेक्सुअल इन नेचर होता है. अब ये मोस्ट पार्ट ऑफ दिस प्लांट स्पीसीज विल स्टिक टू वन प्राइमरी एंड प्रिडिक्टेबल फॉर्म ऑफ सेक्सुअल एक्सप्रेशन. तो ये इस तरह से जो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल हैं इसकी वजह से रिसर्चर्स ने इस प्लांट को नाम दिया सोलोनम प्लास्टिसेक्सम. प्लास्टिसेक्सम मीन्स ये टर्म जो है वो डिफाइन होता है मोल्डेबल और चेंजेबल. सो बिकॉज ऑफ प्लास्टिसेक्सम द टर्म्स कम्स ऑफ मोल्डेबल और चेंजेबल सेक्स.
सो इट्स द फर्स्ट वन टू बी रिकॉग्नाइज एज अ जेंडर फ्लूड. याद रखिएगा सोलोमन प्लास्टी सेक्सम से जो मोस्ट रिलेटेड टर्म है वो है जेंडर फ्लूड, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट वन विच इज बीन रिकॉग्नाइज एज अ जेंडर फ्लूड. सो दिस स्ट्रेंथन्स द आइडिया ऑफ सेक्सुअल बाइनरी फॉर्म अमंग ऑल लाइफ फॉर्म्स बेसिकली कंसिस्टिंग ऑफ ओनली टू डिस्टिंक्ट और डिसकनेक्टेड फॉर्म्स. जितने भी फॉर्स हैं और जितने भी फंडामेंटली राइट हैं उसके बीच में एक सेक्सुअल बाइनरी फॉर्म ये एक्चुअली डिफाइन करता है. नेक्स्ट टॉपिक है ट्री फेलिंग को लेकर के, वो है बिहार से. तो द गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने बैन कर दिया है सभी तरह के ट्री फॉलिंग के लिए और उसने साइड किया है इंक्रीजिंग पॉल्यूशन और बेसिकली फेटल हीट वेव्स के रीज़न को उसने काउंट किया है. ऑर्डर जो सर पास किया गया है, जो ऑर्डर पास किया गया है वो है अंडर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट और उसने बताया है कि ट्रीज ऑन प्राइवेट लैंड हाउएवर कैन बी फेल्ड डाउन इन एब्सेंस ऑफ ट्री प्रोटेक्शन एक्ट इन बिहार, बट ऑन अपार्ट फ्रॉम प्राइवेट लैंड यू कांट फेल्ड डाउन द ट्रीज पब्लिकली फॉर योर ओन सेल्फ गेन रीजंस. तो बिहार ने एक्चुअली अपने ग्रीन मिशन के थ्रू ग्रीन कवर को 7% से 15% तक कवर किया है और उसी परसेंटेज बेसिस को आगे भी इंड्यू कोर्स में इंक्रीज करते रहने के लिए उसने जितने भी पब्लिक फेलिंग ऑफ ट्रीज हैं उसको बैन कर दिया है. जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आरोग्य पाचा मिराकल प्लांट. आरोग्य पच, दिस इज़ अ मिराकल प्लांट. वाई दिस इज इन न्यूज़? बिकॉज साइंटिस्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ केरला ने अभी एक डिकोड किया जेनेटिक मेकअप जिसका नाम उन्होंने आरोग्य पच दिया. अब ये क्या है, ये जेनेटिक मेकअप क्या है? इट इज़ अ हाईली पोटेंट मेडिसिनल प्लांट एंडेमिक टू द अगस्त्या हिल्स ऑफ सदर्न वेस्टर्न गार्ड. दिस प्लांट इज ट्रेडिशनली, ये कनी ट्राइबल कम्युनिटी जो है वो कॉम्बैट फेटिक के लिए यूज़ करती है. और याद रखिएगा कनी ट्राइबल कम्युनिटी लाइज इन अगस्त्या हिल्स. और ये प्लांट जो है वो एंटी ऑक्सीडेंट, एफोरोसिजिक्स, एंटी माइक्रोबियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी ट्यूमर और एंटी अल्सर, हीट हेप्टोप्रोटेक्टिव और एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज़ भी शो ऑफ करता है. दैट इज़ बेसिकली इट शोज अ लॉट ऑफ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़. अब ये कनी ट्राइब के बारे में आपको थोड़ा जानना है कि कनी बेसिकली एक नोमैडिक पीपल होते हैं जो कि इंडिजिनस टू ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ अगस्त्यमाला हिल्स में, और ये वेस्टर्न घाट के अगस्त्यमाला हिल्स में बेसिकली लाई डाउन करते हैं जो माउंटेन रेंज है केरला में. पॉपुलेशन जो एस्टिमेट किया जा रहा है वो 25,000 है. अब ये कनी जो है वो रिच ट्रेडिशन होते हैं. वाइल्ड प्लांट्स को इस जितने भी इस पूरे अगस्त्यमाला जोन में पाए जाते हैं उन सारे वाइल्ड प्लांट्स का कौन सा हेल्थ प्रोस्पेक्टिव और मेडिसिनल कन्फर्म्स है उसको यूटिलाइज करने के लिए द ट्राइबल फिजिशियन जो है उसको बेसिकली जो एक स्पेशल टर्म से कोट किया जाता है वो है प्लाथी, एंड दे आर एक्सक्लूसिव होल्डर ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ मेडिसिनल सिस्टम्स ऑफ दीज डिफरेंट मेडिसिनल प्लांट्स. अब एक ट्राइबल कस्टम है जो प्लाथी में, जो कि जो बेसिकली वर्ड कोट किया गया है उनके मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के लिए कि प्लाथी हैव द राइट टू ट्रांसफर एंड डिसेमिनेट देयर ट्रेडिशनल मेडिसिनल नॉलेज फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन. दैट्स वाई दे आर कैरिंग आउट फ्रॉम अ वेरी लार्ज फ्रेम ऑफ टाइम. अभी अगस्त हिल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं. अगस्त हिल बेसिकली 1,868 मीटर्स टॉल है. नैयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वेस्टर्न घाट्स ऑफ केरला में, वहाँ लाई डाउन करता है. पीक जो है उसका लाई करता है बेसिकली केरला और तमिलनाडु के कॉन्फ्रेंस पॉइंट पर. और ये पूरा जो पोर्शन है अगर एनवायरमेंटली चेक करें तो ये अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व में आता है जो कि बॉर्डर क्रिएट करता है बेसिकली केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर प्रॉस्पेक्ट में. पूरा अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड है. अब यहाँ पे एक जो स्पेसिफिक रिवर है वो है थम्बेरा बारानी. अब ये पेरेनल रिवर है दैट बेसिकली ऑरिजिनेट्स फ्रॉम ईस्टर्न साइड ऑफ रेंज एंड फ्लोज टू द तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु. तो आपको दो चीज़ें याद रखनी है, एक तो अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ लोकेटेड है, कॉन्फ्लुएंस पॉइंट ऑफ केरला एंड तमिलनाडु, और एक रिवर है बेसिकली थम्बी बरानी रिवर्स जो पेरेनल है जो कि तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट से ईस्टर्न साइड ऑफ रेंज से फ्लो करती है और तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु को कनेक्ट करती है. अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व के साथ एक बेसिक फन फैक्ट है कि दिस इज अमंग वन ऑफ द 20th न्यू साइट्स एडेड बाय यूनेस्को फॉर द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स. तो बायोस्फीयर रिजर्व्स का जो वर्ल्ड नेटवर्क है उसमें भी अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व आता है. अब ये नेक्स्ट टॉपिक है डिवाइस टू ट्रैप ओशन प्लास्टिक रीलॉन्चेस. बेसिकली डिफरेंट ओशन पॉल्यूशंस को लेकर डिफरेंट मेथड्स और पॉलिसी चेकआउट किया जाता रहा डिफरेंट फ्रेम ऑफ टाइम में कि हाउ टू जस्ट कर्व आउट द ओशन पॉल्यूशन ऑन द लार्जर फ्लोट. तो एक डिवाइस इन्वेंट किया गया है जो बेसिकली ओशन प्लास्टिक, जो फ्लोटिंग प्लास्टिक है उसको ट्रैप करता है. तो ये न्यूज़ में था बिकॉज पैसिफिक ओशन जो कैलिफोर्निया हवाई के बीच में का जो ओशन एरिया है उसमें एक इस तरह का डिवाइस डिप्लॉयड ऑन किया गया था जिसने इस तरह के ओशन प्लास्टिक जो वेस्ट को कलेक्ट करना स्टार्ट किया. उसने अपने फर्स्ट अटैम्प्ट के बाद रिलेटिवली सेकेंड अटैम्प्ट लिया
और ये जो पूरा इनिशिएटिव है वो आता है ओशन क्लीनअप प्रोजेक्ट्स के अंदर। और ये जो ओशन करंट बेसिकली जो कंसंट्रेट करता है प्लास्टिक्स को 5 बेसिक जोन में, वहाँ से सब ट्रॉपिकल गायरे की वजह से, तो वहाँ से ये सारे प्लास्टिक वेस्ट को कैरी करेगा और फिर वो ओशन गार्बेज पैचेस जितने भी हैं ये 5, वहाँ से ये सारे ओशन प्लास्टिक्स को कैरी करके क्लीन अप करेगा। बेसिकली ओशन क्लीन अप है, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है हाउ टू रिड ऑफ द ओशन फ्री फ्रॉम प्लास्टिक्स। नेक्स्ट टॉपिक है वो रेडियो कॉलरिंग ऑफ एशियाटिक लायन है। न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज अ लार्ज नंबर ऑफ एशियाटिक लायन डाइज ड्यू टू अ वायरल इफेक्ट एंड दैट क्रिएट अ इनिशिएटिव दैट हाउ टू प्रोटेक्ट दीज थिंग्स ऑन अ लार्जर काउंट। तो उनके मूवमेंट्स को, उनके पैटर्न्स को, उनके टेरिटोरियल हैबिटेट प्रेफरेंसेस को चेक करने के लिए रेडियो कॉलरिंग करने के बारे में डिसाइड किया गया। तो अब एशियाटिक लायन के बारे में जान लेते हैं। बेसिकली दे आर स्मॉलर देन अफ्रीकन लायंस, दे यूज टू रेंज फ्रॉम टर्की अक्रॉस साउथ एशिया टू ईस्टर्न इंडिया। और इंडिया में अगर हम देखें तो एट प्रेजेंट गिर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो ओनली अबाउट है एशियाटिक लायंस के लिए। दे आर एस्टिमेटेड टू बी, इनका जो नंबर है वो 523 है इन वाइल्ड। 5 प्रोटेक्टेड जोन है इंडिया में। फर्स्ट वन इज़ गिर सेंचुरी, सेकेंड इज़ गिर नेशनल पार्क, थर्ड वन इज़ पानिया सेंचुरी, जिसको गिर नेशनल पार्क और गिर सेंचुरी और पानिया सेंचुरी, ये तीनों मिल करके गिर कंजर्वेशन एरिया बनाते हैं। दो और जो है सेपरेटेड जोन वो है मिटियाला एंड गिरनार। गिरनार और गिर कंजर्वेशन एरिया आसपास की दूरी पर ही है, दिस विद इन अ डिस्पर्सल डिस्टेंस। तो बेसिकली अब जो ये एशियाटिक लाइन के साथ जो इश्यूज़ है उसको हम देखते हैं। बेसिकली दीज टाइप ऑफ लाइन्स आर फेसिंग अ हेवियर ट्रेंड ऑफ थ्रेट्स ऑफ पोचिंग एंड हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन। अदर थ्रेट्स जो इनको मिल रहे हैं वो हैं इंक्रॉचमेंट, फॉरेस्ट फायर, नेचुरल क्लाइमेटीज, ग्रेजिंग, कलेक्शन ऑफ फ्यू लोड्स, और उसकी वजह से जो लोकल इंटरप्शन है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इनके हैबिटेट प्रेफरेंसेज वाइडली डिस्टर्ब हो गए हैं। बेसिकली अभी जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है इनको, जिसकी वजह से बहुत सारे डेथ कंसर्न्स एक्सेप्ट किए गए, वो थे कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस CDV। ये वाइडली इफेक्ट कर रहा था लायंस को और इसकी वजह से 2 dozen ऑफ लायन बिन इज़ एट्रीब्यूटेड टू डेडली कन्वर्ट, और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन लॉस्ट हुआ। और रेडियो कॉलर इसी वजह से फिट डाउन किया गया था ताकि स्मॉल रेडियो ट्रांसमीटर जो कि सिग्नल्स के थ्रू, सैटेलाइट के थ्रू कनेक्ट हो और वो अपने प्रीसेट फ्रिक्वेंसी पर, ताकि सारे सिग्नल्स कंट्रोल रूम जो शासन में बनाए गए हैं वहाँ पुट डाउन करें और गवर्नमेंट मॉनिटरिंग यूनिट्स उसको रेगुलरली मॉनिटर करते रहें। अब जो कंजर्वेशन स्टेटस है उसको चेक कर लेते हैं। ये Schedule 1 ऑफ वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में रजिस्टर्ड है, Appendix 1 ऑफ साइट्स, और इंडेंजर्ड है IUCN लिस्ट के, रेड लिस्ट के हिसाब से। जो एशियाटिक लाइन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन इंडिया में ऑपरेट करता है। नेक्स्ट टॉपिक है वो है इम्प्रेस टॉर्टोइस। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट जो है उसने डिस्कवर किया है अभी नया इम्प्रेस टॉर्टोइस। ये स्पीसीज जो टॉर्टोइस का है वो बेसिकली इससे पहले कभी साइड डाउन नहीं किया गया था, और इसका जो साइंटिफिक नेमिंग हुई है वो है मैनोरुया इम्प्रेशा। एक्चुअली इट अकर्स इन माउंटेनियस फॉरेस्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया इन बर्मा, सदर्न चाइना, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कम्बोडिया, मलेशिया, नाउ हैज़ बिन इक्वली फाउंडेड इन इंडिया। अब ये स्पीसीज जो है उनका गोल्डन ब्राउन सेल होता है, अपर सेल जो होता है वो गोल्डन ब्राउन सेल में होता है। बेसिकली टॉर्टोइस के क्लासिफिकेशन को अगर हम गौर करेंगे तो जितने भी सेल्स कलर चेंज हो जाते हैं अपर सेल, तो उसके हिसाब से स्पीसीज भी डिफर कर जाती है। तो यहाँ जो कलर है वो गोल्डन ब्राउन सेल की होने की वजह से इसकी स्पीसी डिफर की गई है। बेसिकली ये एडल्ट जो होते हैं स्मॉलर होते हैं रिलेटिवली टू एशियन फॉरेस्ट टॉर्टोइस, मैनोरुआ इमियाइस के जो उसका साइंटिफिक नेम है उसके कंपेयर में इसके साइजेस जो हैं वो छोटे, बेसिकली स्मॉलर इन साइज होता है। और ये वनरेबल होता है IUCN लिस्ट, रेड लिस्ट के हिसाब से अगर देखें तो ये वनरेबल कैटेगरी में लिस्टेड है। एक टीम ऑफ हर्पेटोलॉजिस्ट ने अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और 2-3 NGOs की मदद से ये इम्प्रेस टॉर्टोइस को यजाली एरिया ऑफ लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट जो अरुणाचल प्रदेश, वहाँ भी डिस्कवर किया। तो बेसिकली असम, अरुणाचल प्रदेश और इन सारे पोर्शंस में ये लोकेटेड है, इसी सारे पोर्शंस में ये इजीली इनका हैबिटेट पोर्शन है। एशियन फॉरेस्ट टॉर्टोइस जो होते हैं उसके दो स्पेसीज होते हैं, एक मैनोरुआ जेनस और वो उसी जेनस के थ्रू के अंडर आता है। बेसिकली इंडिया इज़ द होम ऑफ ओनली द होम ऑफ एशियन टॉर्टोइस, दैट इज़ अंटिल द डिस्कवरी ऑफ इम्प्रेस टॉर्टोइस। इससे पहले बस एक ही स्पेसीज का जेनस, एक ही जेनस के टॉर्टोइस इंडिया में बेसिकली फाउंड थे। अब भी दो हो गए, अब एशियन फॉरेस्ट टॉर्टोइस और दूसरा एशियन फॉरेस्ट टॉर्टोइस के बाद इम्प्रेस टॉर्टोइस, अब दो बेसिक जेनस इंडिया में मिलते हैं। तो एशियन फॉरेस्ट टॉर्टोइस जो है वो लार्जेस्ट मेनलैंड एशिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई टॉर्टोइस पाया जाता है तो वो एशियन फॉरेस्ट टॉर्टोइस है, बिकॉज 20 आउट ऑफ 28 स्पीसीज बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी।
तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ज्वाइंट एफर्ट टू कंसेंसस, ज्वाइंट एफर्ट टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ एट बांदीपुर। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA ने अभी कन्वीन किया है इंटर स्टेट मीटिंग में कि सीनियर जितने भी फॉरेस्ट रिप्रेजेंटेटिव थे कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला से, वो उन्होंने बांदीपुर कर्नाटका में मीटिंग की और उन्होंने एक एफर्ट बेसिकली फोकस डाउन किया जिसमें उन्होंने तय किया कि हाउ टू इरेडिकेट इन्वेजिव प्लांट, दोज प्लांट्स विच आर नॉट बीन इंडिजेनस टू दैट फ्लोरा कंडीशन, फ्लोरेटिक कंडीशन। तो जो बांदीपुर पार्क ने जो फेस कर रहा है प्रॉब्लम इन्वेजिव प्लांट का, वो है सेना स्पेक्टेबिलिस। रिमाइंड कीजिएगा इसको, सेना स्पेक्टेबिलिस इज एन इन्वेजिव प्लांट इन रिस्पेक्ट ऑफ बांदीपुर कर्नाटका। बेसिकली ये मेजर थ्रेट है जिसकी वजह से एक बड़ा फ्लोरेस्टिक सेक्शन जो है, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है, वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में डिस्ट्रॉय हो रहा है। और ये तभी इंश्योर, सभी स्टेट्स रिप्रेजेंटेटिव ने इंश्योर करने की कोशिश की ताकि इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन जो है कंजर्व करने के लिए, और बाकी रिलेटिव जितने भी इंफॉर्मेशन है वल्चर पॉपुलेशंस और रिलेटिव हैबिटेट पॉपुलेशंस को लेकर के उसको कंट्रोल किया जा सके। तो और किस तरह से इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के बाद आप फॉरेस्ट फायर पे भी एक्टिवली ऑपरेट कर पाएँ और सारे इन्फॉर्मेशन जो वाइल्ड लाइफ रिलेटेड क्राइम और डिफरेंट डिफरेंट इशूज़ जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को लेकर आते हैं उनको भी लेकर के एक्सचेंज किया जाए और वाइडली इक्वली कॉन्वोकली काम किया जाए। अब ये बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो है इसको आप याद रखिए 2007 में बेसिकली इन स्ट्रक्चर आया था, लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया है सदर्न इंडिया में और लार्जेस्ट हैबिटेट है वाइल्ड एलिफेंट्स का साउथ एशिया में। टुगेदर जो है ये बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो है वो एडजॉइनिंग नागरहोल नेशनल पार्क, मुद्दामलाई नेशनल पार्क और वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये तीनों एक क्लोज कॉन्टेक्ट में ही है और बेसिकली ये सारे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के पार्ट हैं। तो यहाँ एक और जो रिवर ओरिजिनेट होती है वो है मोयर, जो कि बेसिकली नीलगिरी माउंटेन रेंज पाइकरा से ओरिजिनेट होती है और 20 किलोमीटर ऑनवर्ड मूव करती है। ये आगे जा करके नीलगिरी माउंटेन रिजर्व से आगे जा करके मियांड्रिंग के थ्रू वो रिजर्व से आगे क्रॉस आउट होती है। तो बेसिकली ये याद रखने की ज़रूरत है, आप जिन जिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ या रिजर्व्स को पढ़ें तो UPSC का ये टेंडेंसी रहा है कि उससे रिलेटेड एक दो पेरिनियल रिवर्स के बारे में वो क्वेश्चन पूछता है, तो यहाँ मोयर रिवर है याद रखिएगा। टाइगर रिजर्व इज बेसिकली सिचुएटेड इन अ डिस्टिंक्टिव लैंड मैस ऑफ ट्राई जंक्शन एरिया ऑफ दीज स्टेट्स, दैट इज कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला। नेक्स्ट टॉपिक है प्लास्टिक पार्क। अब ये प्लास्टिक पार्क कॉन्सेप्ट अभी इंप्लीमेंट किया गया है इंडिया में, जो कि असम, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु ने मिलकर क्वाइन किया है। अब ये स्कीम क्या है, ये बेसिकली स्कीम इज इन प्लेस टू एस्टैब्लिश प्लास्टिक पार्क अक्रॉस द कंट्री एज एन स्पेशल पर्पज व्हीकल बाई द कंसर्न स्टेट for implement which has been responsible for implementing all the statutory approvals including environmental clearances and all other issues that even encounters state level authorities at the DPR stage for providing a common platform to support the infrastructure of the plastic production units for hazardous waste management, different sections ke liye jaise incinerators, building equipments, machinery of common facilities, destructive material testing, incubation, training, warehousing, plastic recycling, tooling, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, इन सब इशूज़ के लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म डेवलप करना था। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है प्लास्टिक क्रस्ट अ न्यू काइंड, ये एक बेसिकली नए काइंड ऑफ सी पॉल्यूशन। एक्चुअली ओशन और वाटर पॉल्यूशन के बहुत डिफरेंट रीजंस और फॉर्म्स दिखते रहते हैं। तो ओशन प्लास्टिक के बाद जो एक नया कंसेप्ट था वो जो अभी फ्लोट डाउन हुआ वो है प्लास्टिक क्रस्ट का। अब ये न्यूज़ में क्यों है, बिकॉज साइंटिस्ट फ्रॉम मैरीन एंड एनवायरमेंटल साइंस सेंटर हैव डिस्कवर्ड अ न्यू टाइप ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन, उसको उन्होंने क्वाइन डाउन किया प्लास्टिक क्रस्ट। व्हाई दिस इज प्लास्टिक क्रस्ट, बिकॉज इट इज़ अ लेयर ऑफ पॉलीथीन द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली यूज प्लास्टिक इंक्रस्टेड इनटू ओशन रॉक्स। तो इन 2016 रिसर्चर्स ने फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था कि ब्लू एंड ग्रे प्लास्टिक पैचेस जो हैं मैडियारा या रिलेटेड वोल्केनिक पुर्तगेज आइसलैंड नियर साउथ नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका, तो सैम्पलिंग आफ्टर सैम्पलिंग ऑफ दोज रॉक्स अलॉन्ग द कोस्ट लाइन रिसर्चर्स फाउंड दैट बाई 2019 द प्लास्टिक क्रस्ट कवर 9.46 ऑफ रॉकी आइसलैंड रॉकी सर्फेसिस ऑफ दोज आइसलैंड। तो इससे ये कंक्लूड कर रहे थे रिसर्चर कि पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ प्लास्टिक क्रस्ट इज स्टिल बीन रिलेटिवली अननोन बट हैड अ पोटेंशियल टू इफेक्ट द होल ऑफ आइसलैंड्स एनिमल इवन द फ्लोरा फ्लोरेटिक कंडीशंस। तो ये एक नया टर्म ओशन एंड सी पॉल्यूशन से लेकर था प्लास्टिक क्रस्ट। नेक्स्ट टॉपिक है जल शक्ति मिनिस्ट्री, ये न्यूज़ में क्यों था, बेसिकली सेंटर ने क्रिएट किया एक नई मिनिस्ट्री और वो भी उन्होंने दो मिनिस्ट्री को मर्ज करके, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजेनरेशन अलॉन्ग विद ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, इन दोनों मिनिस्ट्रीज़ को मर्ज करके उसने नई मिनिस्ट्री बनाई जिसको उन्होंने क्वाइन डाउन किया जल शक्ति। अब ये नल से जल स्कीम टू प्रोवाइड पाइप वाटर ड्रिंकिंग टू एवरी हाउस होल्ड विल बी कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट्स जल जीवन मिशन।
मिनिस्ट्री रोल आउट कर रही है गवर्नमेंट के एम्बिशियस प्लान टू प्रोवाइड पाइप वाटर कनेक्शंस टू एवरी हाउस होल्ड इन इंडिया बाय 2024। बेसिकली एड्रेस करेगी इंटरनेशनल और इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स को भी, नमामि गंगे प्रोजेक्ट्स को भी और रिवर गंगा उससे रिलेटेड ट्रिब्यूटरीज को भी। अब नेक्स्ट टॉपिक है वो है न्यू स्पीसीज ऑफ वेस्प फ्रॉम गोवा इज बीन आइडेंटिफाइड। तो बेसिकली साइंटिस्ट ने अभी आइडेंटिफाई किया है एक न्यू स्पीसीज वेस्प का जो कि जेनस कुंडाकुर्मिया गोवा, कुंडाकुर्मिया जेनस का है ये सब पार्ट और ये गोवा में फाउंड किया गया है। तो बेसिकली वेस्टर्न घाट और वो भी कोटेगो वाइल्ड लाइफ रिजर्व जो कि गोवा में है, अब वहाँ पे इस तरह के रंगा नेकरी कुंडाकुर्मिया रंगा नेकरी इस जेनस से ये वेस्प डिस्कवर किया गया है। नाम को लेकर एक स्पेसिफिक टर्म्स है याद रखिएगा, वाई बिकॉज दिस इज बिन नेम्ड आफ्टर अ फेमस गोवा बेस्ड रिसर्चर पराग रंगनेकर। अब तो इट इज़ अ काइंड ऑफ इंसेक्ट इन ऑर्डर ऑफ हाइमनोटोप एंड सब ऑर्डर ऑफ एप्रिकोटो विच मीन्स नाइदर बीन बी और नॉर एंट। बेसिकली ये ना बी है ना एंट है, एक मिडवे टर्म है। और अब थोड़ा जान लेते हैं कोटिगो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में। अब ये कोटिगो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो लोकेटेड है कैनोकोना तालुका में, साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गोवा। वो बेसिकली 1968 में फॉर्म डाउन किया गया था। इस तरह का ये जो सेंचुरी है इज़ बिन नोन फॉर डेंस फॉरेस्ट ऑफ टॉल फॉरेस्ट टॉल ट्रीज, सम ऑफ दीज रीच इवन अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 30 meters, दैट शोज इट्स कैरेक्टरिस्टिक कंसेप्ट ऑफ डेंस फॉरेस्ट। जिस तरह के एनिमल्स इसमें इक्वली फाउंड डाउन होते हैं वो हैं फ्लाइंग स्क्विरल, स्लेंडर लॉरिस, इंडियन पेंगोलिन, माउस डियर, फोर हॉर्न एंटीलोप, मालाबार पिट बाइपर एंड मालाबार ट्रॉगन और वेलवेट फ्रंटेड न्यूचेक। तो ये सब एनिमल्स इस तरह के सेंचुरी में मिलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेल्फी विद सैपलिंग। बेसिकली ऑन द ईव ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2019 यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने एक कैंपेन लॉन्च किया और उसको क्वाइन डाउन किया उन्होंने सेल्फी विद सैपलिंग कैंपेन। अंडर द स्कीम सेल्फी विद सैपलिंग कैंपेन पीपल हैव बीन आर्ग्यूड बीन रिक्वेस्टेड टू प्लांट अ सैपलिंग एंड पोस्ट अ सेल्फी विद द प्लांट सैपलिंग ऑन सोशल मीडिया। तो बेसिकली वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को एवरी 5th June को ये मनाया जाता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, और ये यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम का पार्ट है हाउ टू जस्ट क्रिएट आउट द अवेयरनेस एंड एक्शन अब्रॉड अक्रॉस द वर्ल्ड वाइड। तो फर्स्ट एनवायरनमेंट डे जो था वो 1973 में स्टैब्लिश किया 1973 में सेलिब्रेट किया गया और थीम जो था 45th एनवायरनमेंट डे का हाउ टू बीट एयर पॉल्यूशन, इट इज़ द कॉल फॉर द एक्शन टू कॉम्बैट ग्लोबल क्राइसिस ऑफ एयर फ्रेश एयर एंड इट इज़ बीन होस्टेड बाई चाइना। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है ओसोडू लेक। अब ये न्यूज़ में क्यों है, बिकॉज वनरेबिलिटी असेसमेंट स्टडी जो अभी कंडक्ट किया गया था ओसोडू लेक पुडुचेरी में, उसने कंसर्न शो किए प्लास्टिक पॉल्यूशन को लेकर वाटर बॉडीज़ में। तो अब ये वनरेबिलिटी असेसमेंट स्टडी क्या हाईलाइट कर रहा था, बेसिकली ये बता रहा था कि केनाल्स जो डम डाउन करते हैं ओसोडू लेक में अपने वाटर इनटेक को, वाटर आउटटेक को, वो अ लार्जर नंबर ऑफ प्लास्टिक बैग, थर्मोकॉल्स, कप, प्लेट एंड वट एवर द प्लास्टिक पॉल्यूशंस आर बीन वो डंप कर रहे हैं। तो उसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन जो है ओसोडू लेक में वाइडली रिकवर हो रही है, वाइडली फाउंड डाउन कर रही है। तो इससे नियर बाय जो वाटर पॉल्यूशन है और रिलेवेंट हैबिटेट है वो वाइडली डिस्ट्रॉय हो रहा है। अब ये ओसोडू लेक के बारे में जान लेते हैं। बेसिकली इट्स अ मैनमेड लेक सिचुएटेड अबाउट 10 kilometers फ्रॉम पुडुचेरी और ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वेटलैंड है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN इसको रिकॉग्नाइज करता है। और आपको तीन स्ट्रक्चर ध्यान रखने पड़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ जो लेक है वो है वाटर, वेटलैंड एंड मड फ्लैट्स। तो ये तीन टर्म्स हैं जो क्वाइन डाउन किए गए हैं और बेसिकली इनको रिमाइंड डाउन करने की ज़रूरत है। इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट, एक फन फैक्ट है, लार्जेस्ट सिंगल कैचमेंट फ्रेश वाटर लेक है पुडुचेरी में। और ये सब इससे रिलेटेड फैक्ट्स हैं। एक चीज़ और जो है जुड़ी हुई वो है द वेजिटेशन ऑफ लेक हब्स टू सपोर्ट द माइग्रेटरी एविलिफोना एज वेल एज नेटिव बर्ड्स ड्यूरिंग समर एंड विंटर। तो ये माइग्रेटरी बर्ड्स का एक डेस्टिनेशन पॉइंट भी है। नेक्स्ट टॉपिक है वो है पैरेंथोजेनेसिस। अब ये न्यूज़ में क्यों था, बिकॉज अ वर्जिन एनाकोंडा हैज़ गिवन बर्थ ड्यूरिंग द विंटर इन न्यू इंग्लैंड एक्वेरियम US विदाउट अ मेल एनाकोंडा। तो ये कैसे हुआ, तो अब इसको आपको पढ़ना है, बिकॉज पैरेंथोजेनेसिस इज अ रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी दैट इन्वॉल्व्स डेवलपमेंट ऑफ अ फीमेल रेयरली फ्रॉम अ गैमेट विदाउट फर्टिलाइजेशन। इट अकर्स कॉमनली अमंग दोज लोअर प्लांट्स और इनवर्टिवेट एनिमल, पार्टिकुलरली इन रॉटिफेयर, एंट, वेस्प एंड बीज, एंड रेयरली अमंग हायर वर्टिवेट्स। तो अ गैमेट इज एन एग इन अ फीमेल एंड अ स्पर्म इन अ मेल। इन एनिमल्स पैरेंथोजेनेसिस मीन्स डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रायो फ्रॉम एन अनफर्टिलाइज्ड एग सेल। तो मेनी स्पीसीज दैट रिप्रोड्यूसेस थ्रू पैरेंथोजेनेसिस डू नॉट प्रोड्यूस सेक्सुअली। सो अदर देन स्विच बिटवीन द टू मोड्स टेकिंग आउट टू क्यूज फॉर द एनवायरमेंट, तो टर्म जो पैरेंथोजेनेसिस था वो बेसिकली इसके लिए आया था। सो एक्चुअली इट्स एन अमालगम ऑफ द ग्रीक वर्ड पैरेंथोनोस मीनिंग वर्जिन एंड जेनेसिस मीनिंग ऑरिजिन। सो ऑरिजिन बाई वर्जिन नेचर
is termed to be as a parthenogenesis. So about 2000 species across the world are being known to be reproducing through this procedure of parthenogenesis, which is one of the known means of asexual reproduction. ग्राफ्टिंग जो प्लांट्स में होती है ना, वो भी एक असेक्सुअल प्रोडक्शन मोड है, वो भी इसी का एक एग्जांपल है. बेसिकली बेबीज बॉर्न आउट थ्रू पैरेंथोजेनेसिस आर क्लोन्स ऑफ देयर मदर बिकॉज देयर इज नो एक्सचेंज एंड रीअरेंजमेंट ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन. नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है होलग गिबॉन के बारे में. एक्चुअली इन अरुणाचल प्रदेश लोकल्स आर प्लांटिंग कॉरिडोर फॉर गिबॉन फ्रेंडली ट्रीज इन बिड टू कंजर्व द आर्बोरियल स्पीसीज ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट. वो एक पूरा ट्री कॉरिडोर डेवलप कर रहे हैं ताकि गिबॉन फ्रेंडली जो भी फ्लोरिस्टिक कंडीशन रहेगा, ताकि वो उसको एक कंजर्वेटिव एनवायरनमेंट डेवलप कर पाए इन आर्बोरियल स्पीसीज के लिए. बिकॉज जो लोअर ग्राउंड पोर्शंस में जितने भी आर्बोरियल इन तरह के आर्बोरियल स्पीसीज के लिए फ्रेंडली ट्रीज हैं, उनका जो डिस्ट्रक्शन है वो बहुत हायर रेट से है. तो इस वजह से वो एक पैच क्रिएट किया जा रहा है बेसिकली. और इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं होलग गिबॉन के बारे में. बेसिकली इट्स नेटिव टू ईस्टर्न बांग्लादेश, नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड साउथ ईस्ट चाइना. आयुशियन रेड लिस्ट में ये वनरेबल स्टेटस में है. मेनली मिसमी हिल्स में कंसंट्रेटेड है. और जो इसको कॉमनली नोन नेम है वो है मिसमी हिल्स गैबूंस. और ये प्रोटेक्टेड है मेहुओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि बेसिकली लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है. नेक्स्ट टॉपिक है वो है इमिशन ट्रेडिंग स्कीम ETS. ये न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज गुजरात हैज़ लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट ट्रेडिंग प्रोग्राम टू कॉम्बैट पार्टिकुलेट एयर पॉल्यूशन ऑन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2019, विच हैज़ एयर पॉल्यूशन एज इट्स थीम. द प्रोग्राम इज़ अ मार्केट बेस्ड सिस्टम वेयर द गवर्नमेंट सेट्स अ कैप ऑन इमिशन, और ये अलाउ करता है इंडस्ट्री को टू बाय एंड सेल परमिट्स टू स्टे बिलो द कैप. इट इज़ बीन इनिशिएटेड बाय द गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और वो वाइडली डिज़ाइन करता है, हाईली हेल्प करता है टीम्स ऑफ रिसर्चर फ्रॉम एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो और इकोनॉमिक ग्रोथ सेंटर एट येल यूनिवर्सिटी. इन दोनों ने मिलकर बेसिकली इस तरह का कंसेप्ट वर्कआउट किया. और ये ETS काम कैसे करता है, एक्चुअली इट इज़ अ कैप एंड ट्रेड सिस्टम. द रेगुलेटर फर्स्ट हैव टू डिफाइन द टोटल मास्टर पॉपुलेशन, देन दे हैव टू पुट इट इनटू द एयर ओवर अ डिफाइंड पीरियड बाय ऑल फैक्ट्रीज पुट टुगेदर. देन अ सेट ऑफ परमिट इज बीन क्रिएटेड विच इक्वली सोर्स एंड अलाउज अ सर्टन अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन एंड अ टोटल इज इक्वल टू द कैप. So these permits are quantity that has been brought and sold off. So it's a carbon trading system ki tarah ye basically copycat hai uska. Usi tarah ka trading relevant network hai jisme these permits are been quantity that has been brought and sold. Each factory is allocated to share of these permits and could be based on size of some other rules. Actually these plants have been relating to trade out permits with others, just like any other commodity on NASDAQ. जिस तरह से नेशनल कॉमोडिटी डेरेवेटिव इंडेक्स में हम इस तरह के कार्बन फुटप्रिंट्स को सेल डाउन करते हैं, उसी तरह का एक ट्रेडिंग स्कीम और डेवलप कर रहा है आपके लिए. जो नेक्स्ट टॉपिक है वो फर्स्ट रिजाइलेंट केरला प्रोग्राम. ये न्यूज़ में क्यों था, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ केरला ने वर्ल्ड बैंक के साथ एक लोन एग्रीमेंट साइन किया $250 million का, वो फर्स्ट रिजाइलेंट केरला प्रोग्राम को लेकर. अब ये फर्स्ट केरला रिजाइलेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया हाउ टू एस्टैब्लिश और इनहेंस द स्टेट रिजाइलेंस अगेंस्ट द इम्पैक्ट ऑफ नेचुरल डिजास्टर एंड क्लाइमेट चेंजेस. अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो सपोर्ट कर रही है केरला को हाउ टू बिल्ड आउट रीबिल्ड केरला डेवलपमेंट प्रोग्राम, ताकि वो जितने भी नेचुरल डिजास्टर और क्लाइमेट चेंजेस हैं उसको इक्विवोकली रिलेट ऑफ कर पाए, उसको इक्विवोकली वो एमिट ऑफ कर पाए. बिकॉज केरला इज फेसिंग हैवियर फ्लड्स फ्रॉम पास्ट कंसेक्यूटिव ईयर्स एंड दैट क्रिएट्स अ हैवियर प्रॉब्लम. तो ये क्लाइमेट रिजिलेंस को लेकर ये प्रॉब्लम था, जिसको लेकर इस तरह की स्टेट पार्टनरशिप वर्ल्ड बैंक ने इंडिया में फर्स्ट टाइम की है. और ये वन ऑफ द टू डेवलपमेंट पॉलिसी ऑपरेशन जो है, जो कि बेसिकली दो चीज़ों पर पॉइंट करता है, एक तो डिजास्टर, सेकेंड इज द क्लाइमेटिक रिजिलेंस एंड हाउ टू वर्क आउट बाई इम्प्रूविंग अ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज पैरेलली ऑन द ग्राउंड. Thank you, friend. This is the first part of June as an environment. We are covering the second part after that of the environment, which is covering the current affairs section that has been left out in the June portion of that one. Thank you.